तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर, यानी समतल आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रवण गुरु जी में। तो इससे पहले, चैप्टर को शुरू करने के पहले, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर जितने भी सब्जेक्ट हैं आपसे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके लिए एक टेस्ट सीरीज है और इसकी कॉस्ट बिल्कुल फ्री है, यानी इससे आपका इसके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाकर तुरंत ज्वाइन करें। तो चलो शुरू करते हैं कि एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्लेन फिगर क्या होते हैं। प्लेन फिगर का मतलब होता है जो एक फिगर बिल्कुल समतल में हो, ठीक है ना। समतल का मतलब क्या है कि मैंने इसके पहले जब लाइट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था प्लेन सरफेस के बारे में, लेकिन एक बार से दोबारा बता देता हूं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आई वाले बटन पर भी आपको मिल जाएगा। अब देखो, जैसे प्लेन फिगर समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये एक ट्राइंगल है और ये कहलाता है कि ये प्लेन फिगर है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है और ये प्लेन फिगर, क्यों? क्योंकि हम इसके आर पार अपना हाथ चला ले रहे हैं। उसके बाद क्या आता है कि अगर ये प्लेन, जैसे प्लेन का मतलब अगर मान लो कि ये इस तरह से कहीं घूमी होती, एक साइड इसका किसी और डायरेक्शन में गया होता, तो ये प्लेन फिगर ना होता। तो प्लेन फिगर का क्या मतलब है कि सारे के सारे जितने भी साइड्स हैं वो एक ही सरफेस पे होने चाहिए, तो इन्हें बोलते हैं प्लेन फिगर्स, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये प्लेन फिगर्स का जो एरिया है और पेरीमीटर है, इनका मतलब क्या होता है। एरिया का मतलब ये होता है कि ये कितनी जगह घेरेंगे। जैसे मान लो कि ये फिगर देख रहे हो ना, तो इस फिगर में अंदर की तरफ देखो ये कितनी जगह है, ये ठीक है ना, ये कितनी जगह है, ये इसका एरिया हो जाएगा। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर में केवल एक चीज याद रखो कि जो उसके आउटर साइड्स होते हैं, जो भी उसके साइड्स होते हैं उनका जो सम होता है, उनका जो योग होता है, वो होता है पेरीमीटर। तो दोनों चीजें समझ लो कि जितना जगह घेरेगी, जितना प्लेस वो कवर करेगी, वो होता है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक। और इनके जितने भी साइड्स होते हैं यानी इनकी जितनी भुजाएं होती हैं उनका सम यानी कि योग जो होता है वो होता है पेरीमीटर यानी परिमाप, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ ऐसे प्लेन फिगर्स के बारे में, और सारी के सारे मैं एक ही क्लास में पढ़ाने वाला हूं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। और चलो देखते हैं, फिर सबसे पहले आता है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल कई तरह के होते हैं, तो हम हर तरह के ट्राइंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखो, आपके सामने जो फिगर दिया गया है ये ट्राइंगल, इसमें जो साइड्स दिए गए हैं वो ए बी और सी, तो इसका मतलब ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्राइंगल है। अब इसकी खास बात क्या है कि अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें एक हाइट भी दिया गया है, ठीक है ना। अगर मान लो कि इसका क्षेत्रफल पूछता यानी इसका एरिया पूछता, तो इसका एरिया क्या हो जाए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर के बारे में बता दिया, पेरीमीटर में आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल इतना याद रखो सम ऑफ ऑल साइड, वो अपने आप निकल आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हमें इसका पेरीमीटर देखना हो तो पेरीमीटर क्या हो जाए, पेरीमीटर मतलब परिमाप, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड यानी सभी भुजाओं का योग, तो कितना है ए बी और सी, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये समझ में आ गया ना। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि अगर मान लो ये तो परिमाप हो गया, अगर इसका क्षेत्रफल दिया, जैसे एरिया, अगर इसका एरिया निकालना होता यानी कि क्षेत्रफल, तो हम क्या करते हैं, तो इनके क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो एक चीज, बेस इंटू हाइट, ये जो बी है ये बेस है और ये हाइट है, तो अगर बेस और हाइट दिया है तो हम सीधा सा लगा लेंगे कि कोई भी ट्राइंगल होगा ना, ये याद रखना कि कोई भी ट्राइंगल होगा अगर बेस और हाइट दिया है तो वहां पर हम उसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसा भी ट्राइंगल। अभी आगे जब आएगा तो मैं सब में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये कैसा ट्राइंगल है, ये स्केलेन है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं, अगर मान लो ये ना दिया होता और केवल ये तीन साइड दिए होते तो हम क्या करते, तो उसके लिए भी एक फार्मूला है और उसको बोलते हैं हीरोन फार्मूला, ठीक है। तो नाइन्थ में आप उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो यहां पर क्या है कि यहां पर ये एस क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि हम सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या है, जो भी पेरीमीटर है उसका आधा कर दो तो सेमी हो जाएगा।
तो यहां पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। पहले तो सेमी पेरीमीटर निकाल लो, ठीक है ना। अब हमें अगर एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसके एरिया का फॉर्मूला हो जाता है ना अंडर रूट, ये अंडर रूट लगाना, उसके बाद जो ये एस आएगा एस, उसके बाद एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। यहां पर क्या क्या किया हमने, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, मतलब जो तीनों का सम है पेरीमीटर का, पेरीमीटर उसका हाफ कर लिया, तो उसे हमारा एस निकल आएगा। अब उसके बाद फार्मूला होता है हीरोन फार्मूला, इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना, याद रखना हीरोन्स फार्मूला, नाइन्थ में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला क्या होता है कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इस पर अगर क्वेश्चन देखना हो तो क्वेश्चन कैसे, अगर मान लो कि हमें कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हो जिसमें सारी चीजें दी बताई गई हो, क्या क्या बताया गया कि यहां पर हमें यह दिया गया कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहां पर हमें क्या क्या दिया गया, हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है ना, केवल देखो एग्जाम्पल, एक ट्राइंगल दिया गया, यहां पर एक साइड दी गई है 15, एक दिया गया 13, एक दिया गया 14, ये सेंटीमीटर में सारे। अगर ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो, तो देखो तीनों साइड अलग अलग है ना, यानी स्केलन है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका बस यही है, क्या करोगे कि एस निकाल लोगे इसका, एस क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय टू, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 13 प्लस 14 अपॉन टू, ये लगा लो। अब यहां पर ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 13 538 8412, ठीक है, तो ये हो गया 2 कैरी 1 1 2 3 1 4 यानी 42 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 यानी एस हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, बस ठीक है। अब यहीं पर रख लो सबकी वैल्यू, ठीक है ना, सबकी वैल्यू रख लो, एस कितना आया 21, तो ये हो जाएगा इंटू 21 माइनस ए कितना है 15, फिर 21 माइनस बी कितना 13, फिर 21 माइनस सी कितना है 14, रख लो, ठीक है। अब यहां सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा रूट 21 इंटू, तो 21 माइनस 15 कितना हो गया, 21 माइनस 15 6, तो जितना भी होता हो वो सारी की सारी चीजें लिख लो, ठीक है। तो 21 क्या हो गया 6 इंटू 21 माइनस 13, तो 21 माइनस 13 करोगे तो हो जाएगा 8, यहां पर 8 लिख लो, और उसके बाद 21 माइनस 14 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7, तो यहां पर 7 लिख लो। अब ये यही सॉल्व कर लो, ठीक है ना। अच्छा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, जो भी नंबर्स दिया होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, मतलब अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना है कि जैसे 21 है तो 21 में कौन से दो प्राइम नंबर है 3 और 7, तो 3 इंटू 7 कर लिया। 6 में क्या है 3 इंटू 7, ठीक है ना, और 6 में क्या है 2 इंटू 3, दोनों प्राइम ही तो है, अभाज्य संख्या ही तो है, तो 2 इंटू 3। 8 का अगर करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इंटू 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है ना, और 7 तो पहले से ही प्राइम नंबर है, तो यहाँ 7 लिख लिया, यानी अभाज्य संख्या। अब रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या होता है कि जो जो नंबर्स हैं उनके पेयर बाहर आते हैं, तो पेयर में देखो ये 2 और ये 2 एक पेयर बन गया, ठीक है, ये 2 और ये 2 एक पेयर बन गया, उसके बाद ये 3 और ये 3 एक पेयर बन गया, उसके बाद ये 7 और ये 7 एक पेयर बन गया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, केवल इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा कितना हो गया 84, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये जो भी होता है ना एरिया, ये स्क्वायर यूनिट में आता है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा मान लो कि अगर हाइट दी होती यहां पर, अगर हाइट दी होती यहां पर तो हम क्या करते, अगर मान लो हाइट जो है वो कुछ दिया होता है 6 या 7 कुछ ऐसे दिया होता, तो हम क्या करते कि तब हम वहां पर 1 अपॉन 2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेते सीधा, तब हमको इतना कुछ ना करना पड़ता। अगर हाइट दिया है बेस दिया है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये उस कंडीशन में है जब हमको हाइट
ना दिया हो, ठीक है। चलो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगला देखो बच्चों, राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, ये क्या होते हैं? जैसे देखने से लग रहा है कि एक त्रिभुज है और इसमें एक एंगल जो होना चाहिए वो राइट एंगल यानी समकोण होना चाहिए, तो वो समकोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक है ना। तो मान लो कि इसमें जो साइड्स हैं वो, ये वाली जो साइड है इसका नाम हमने एक्स रख लिया, क्यों? क्योंकि ये हाइट है, ठीक है ना, ये ऊंचाई है, तो इसलिए ऊंचाई को एस से लिखते हैं, इसलिए हमने एच लिख दिया। ये बेस है यानी आधार है, ये बेस, तो इसलिए हमने इसको बी से लिख दिया। और उसके बाद ये क्या है, ये डायगनल है यानी कर्ण या विकर्ण जो भी बोलो, ठीक है। तो ये डायगनल अगर हम इसको डी से लिख लें, ये विकर्ण बोल लेते हैं, कर्ण बोल लेते हैं, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये कि इसको हम डी से लिख दिए, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है कि यहां पर अगर हमें मान लो इसका पेरीमीटर निकालना होता, ठीक, इसका परिमाप, तो इसका अगर परिमाप निकालते तो इसका परिमाप क्या हो जाता, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड यानी जो भी साइड दी है सम कर डालो, तो क्या हो जाएगा, एच प्लस बी प्लस डी, ये हो गया पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या बताना, अगर मान लो हमें इसका एरिया बताना होता है यानी क्षेत्रफल, पेरीमीटर समझिए ना, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप, ठीक है। तो पेरीमीटर हो गया परिमाप, और एरिया अगर हमें बताना है यानी इसका क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा इसका। तो यहां पर देखो, यहां पर हमें हाइट दी गई है, तो क्या बताया कि अगर 90 डिग्री उसकी ऊंचाई दी होगी, हाइट दी होगी, तो हम सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो ये सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा इसका। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो कि हमें ये डी निकालना होता, ठीक, ये डी निकालना होता, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का देखो ये क्या होता ना कि एक ये प्रॉपर्टी है कि इनका जो सबसे लंबी साइड होती है उसका स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी सबसे बड़े भुजा का वर्ग बराबर दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग होता है, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सीधा सा फॉर्मूला बन जाता है कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको हम इस तरह से अगर स्क्वायर उधर लेके जाते हैं ना, तो ये भी बन जाता है कि डी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जब इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो रूट बन जाता है, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं ना। यहां पर देखो, एक क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कैसे, कि जैसे मान लो कि ये हमें दिया गया है कि एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है, और इसके जो ये दिया गया 7 सेंटीमीटर, ठीक, समझ लेना बात को, या तो इसको हम 3 कर लेते हैं और इसको हम 4 कर लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा समझो, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा तो पेरीमीटर कितना होगा भाई, एक साइड तो हमको पता ही नहीं है, तो पहले तो हमको ये साइड पता करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये साइड पता कर तब हमको पेरीमीटर मिलेगा। तो ये साइड पता करने के लिए हमको क्या करना है, जैसे मान लो कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों साइड, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर अगर हमें यह कहा जाए कि इसमें क्या क्या चीजें निकालनी है, इसमें हमें निकालना है पेरीमीटर, ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना है इसका एरिया यानी परिमाप और क्षेत्रफल, दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो यहां पर तो हमें एक चीज तो पता है कि ए बी इज इक्वल टू दिया गया 4 सेंटीमीटर, ठीक, और बी सी दिया गया कितना, 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यहां पर ए सी नहीं दिया गया है। तो अभी क्या बताया कि अगर एसी नहीं दिया गया, तो अभी अभी फॉर्मूला होता है कि ये अगर मान लो डी होता, ये डी है चाहे एसी है कुछ भी, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी इसका जो वर्ग होगा वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा एसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से रख लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी कितना है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर, बीसी कितना है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो अंडर रूट कितना हो गया 25, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 25 का स्क्वायर रूट निकला, ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 25। अब ये देखो ये 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना, तो इसी तरह से आसानी से आ जाएगा। अब चाहे पेरीमीटर पूछो भाई, तो इसमें कहता है पेरीमीटर कितना है यानी इसका परिमाप कितना है, तो परिमाप क्या बताया, सम ऑफ ऑल साइड यानी सभी भुजाओं का योग, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 25 सॉरी 5 सेंटीमीटर, कितना इसका स्क्वायर कितना होगा 5 हुआ ना, तो यहां पर हो गया 5 सेंटीमीटर, तो यहां कितना हो गया 4 प्लस 3 प्लस 5 सेंटीमीटर। अब सम कर लो इसका, 5 4 9 9 3 12, यानी 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। अब एरिया बताना है, तो एरिया यानी क्षेत्रफल,
तो हमको क्या क्या पता है? हमको बेस भी पता है यानी आधार भी पता है, और हाइट यानी ऊंचाई भी पता है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 1/2, ये हो गया बेस यानी 3, तो ये रख लो, और हाइट कितना है ये 4, तो यहाँ 4 रख लो, ठीक है ना। तो हो गया 2 1 2, 2 2 4, तो 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के यानी समकोण त्रिभुज के। चलो अगला टाइप देख लेते हैं। तो बच्चों अगला टाइप देखो, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिनकी सभी भुजाएं यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर सभी साइड इक्वल होंगे और ये कहा जाए कि इनका पेरीमीटर बताओ भाई, यानी पेरीमीटर मतलब इनका परिमाप। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि परिमाप यानी पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब तीनों साइड तो ए ए है, तो यहां पर हम लिख लेंगे ए प्लस ए प्लस ए, और तीनों ए को ऐड करो कितना हो जाएगा 3A। तो इसका मतलब क्या, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3A। अब यहां पर आती है बात कि हम इसका एरिया भी देख लें, तो एरिया मतलब इसका क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल के लिए हम क्या करें, क्षेत्रफल में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लो हाइट दी होती, अगर मान लो अगर हाइट दी होती इसकी, तो हम सीधा सीधा लगा लेते 1/2 इंटू ए इंटू एच, अगर हाइट दी होती तो ये सब में यूज करेगा ना, ए 1/2 अगर हाइट दी है और बेस दिया है, तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हर फॉर्मूले मतलब हर ट्राइंगल में काम करेगा। लेकिन अगर मान लो हाइट ना दी होती, केवल तीनों साइड दिए होते, तो हम क्या करते भाई। तो अगर तीनों साइड दिया होता तो वहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि देखो एरिया यानी क्षेत्रफल, याद रख लेना क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब इसके बारे में बता दूं कैसे आया, देखो बिल्कुल भी भूलोगे नहीं कैसे आएगी। देखो अगर मान लो कि ये हमें ये दिया गया ट्राइंगल, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये साइड ए है, ये ए है, ये ए है, तो हम हीरोन फार्मूला से अगर निकालें, तो यहां पर देखो ये प्रूफ मैं दिखा रहा हूं ना, तो ये समझ लेना क्या होता है, ए ए और ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये, तो एस अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए अपॉन 2, यही तो होगा सेमी पेरीमीटर। तो यानी हो जाएगा ए प्लस ए यानी हो जाएगा 3A/2, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें हीरोन फार्मूला से अगर हमें एरिया निकालना हो या क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट और उसके बाद 3A/2, फिर हो जाएगा 3A/2 माइनस ए, फिर 3A/2 माइनस ए, फिर हो जाएगा 3A/2 माइनस ए, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो यहां पर क्या एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो तीनों साइड ए है, तो हमने ए लिख लिया, बस यहां से सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3A/2, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 2 a, तो 3A-2a कितना हो जाएगा 1a, तो ये हो गया। उसी तरह से ये भी है तो a/2, और सेम ये भी है तो ये भी हो गया a/2। मैंने क्या कहा कि स्क्वायर रूट से हमेशा क्या बाहर आते हैं, पेयर बाहर आते हैं, स्क्वायर रूट से हमेशा पेयर बाहर आते हैं। तो यहां से अगर हमें पेयर बाहर करना, तो a और a का पेयर बना, इस a और इस a का पेयर बना, तो इसका मतलब ए स्क्वायर ये बाहर आ गया, इसका तो पेयर बनेगा नहीं, तो ये रूट 3 ऐसे ही लिखा रहा। उसके बाद देखो ये 2 इसका पेयर बन गया, तो ये बाहर आ गया, ठीक है ना, और ये पेयर बना तो ये बाहर आ गया, तो मन क्या गया हमारा अंडर रूट 3/2 2 4, और ये ए स्क्वायर है, तो ये लिख लिया ए स्क्वायर बन गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे, और एक एक चीज समझ लो, मतलब कहीं पर भी कोई गलती ना होने पाए, ठीक है ना। तो ये हो गया, इस तरह का ये बनता है इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां पर देखो, अगर मान लो इससे हमसे क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं, कि अगर मान लो ये कह दिया गया कि कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसे, और उसका सम कुछ भी दे दिया जाए, उसका सम मान लेते हैं इसका सम दे दिया गया 8, ठीक है, और ये कह दिया गया कि इसका एरिया बताओ भाई। तो हम क्या करेंगे कि सीधा सीधा सा एरिया हम निकाल लेंगे, और यहां पर क्योंकि हमको साइड दी गई है ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये सारे सेंटीमीटर में है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया, तो ये हमको क्या दिखाई दिया, इक्विलेटरल यानी समबाहु दिखाई दिया, तो हम यहां से इसका एरिया सीधा सीधा हमको हीरोन फार्मूला नहीं लगाएंगे, सीधा ये यूज कर देना क्या, अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/4, और ए कितना है, ए हमारा 8 है, ठीक है, तो यहां पर हम 8 रख लेंगे, 8 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर था इसलिए हमने यहां पर 8 रख लिया, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। अब यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 3/4 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 4 1 4 4 6 24, यानी कितना हो गया 16√3, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि कोई चीज समझ में नहीं आएगी, सारी चीज समझ में आ, और ये समझ में आ जाएगा तो उसके बाद जो 3D फिगर होंगे ना, ये तो 2D फिगर है, इनके पास जो 2D फिगर है जिसमें आपका क्यूब, क्यूबाइड, स्फेयर और कोन, ये सारी चीजें, सिलेंडर यानी बेलन और घन, घनाभ, शंकु, ये सारी जितनी चीजें, वो चीजें भी आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। तो देखो बच्चों अगला क्या है, अगला है आइसोसेलस राइट एंगल, मतलब सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी समकोण तो है, इसके पहले राइट एंगल के बारे में पढ़ लिए हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल के, लेकिन यहां पर एक कंडीशन ऊपर आ देगा आइसोसेलस, मतलब जिनके दो साइड इक्वल हो, आइसोसेलस समबाहु का मतलब जिनके दो साइड इक्वल हो। जैसे देखो ये ट्रायंगल दिया गया है, तो यहां पर ये ए है और ये, यानी इसका मतलब ये दोनों साइड क्या है, सेम है, और ये बड़ी वाली साइड अलग है, ठीक है। तो यहां पर अगर हमें इनका पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो इनका पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहली चीज तो देख लेते हैं कि इनका अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो इनका पेरीमीटर क्या हो जाए, पेरीमीटर मतलब परिमाप, बार बार चीजें बता दे रहा हूं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इनका सम ऑफ ऑल साइड से a प्लस डी, तो इसका मतलब क्या हो जाए, ए और ए ऐड करो कितना हो जाएगा 2a, तो 2a प्लस, सॉरी 2a प्लस, और ये हो जाएगा डी, मतलब ये आ गया हमारा पेरीमीटर, कब, जब दो साइड इक्वल हो, ठीक है ना। तो यानी आइसोसेलस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा 2a प्लस डी, मतलब जो भी दो साइड होंगे वो इक्वल वाले, और प्लस जो अदर साइड होगा वो, ठीक है ना। फिर यहां पर हम बात कर लेते हैं इनके एरिया के बारे में, तो यानी इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बारे में हमने क्या पढ़ा, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा कि हमने इनटू हाइट, यही तो पढ़े थे। तो यहां पर क्या है, यहां पर तो दोनों साइड इक्वल है, बेस भी इक्वल है और हाइट भी सेम है, ठीक है ना। तो हम रख लेंगे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू ए, बताओ ये बात समझ में आई। अच्छा ये दोनों सेम है ना, तो ये बेस है ये हाइट है, तो बेस की जगह भी ए रख दिया और हाइट की जगह भी ए रख दिया, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या बन जाता है, ये जो 1/2 और ए का मल्टीप्लाई हो जाता है ए स्क्वायर, मतलब यहां से हमारा आइसोसेलस ट्राइंगल का एरिया हो जाता है 1/2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब साथ ही साथ ये भी देख लो कि इनका जो कर्ण है वो क्या होगा, यानी इनका जो डायगोनल है, तो अगर हम डी देखें यहां से, देखो ये डी अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो सेम वही चीज क्या होता है, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ए, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो बनता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बताया था अभी, इसके पहले ये तो समझा दिया था ना, इसके पहले मैंने बता दिया था कि अगर किसी भी चीज का डायगोनल यानी कर्ण निकालना होता है तो ये जो सबसे बड़ी साइड होती है इसका स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी इसका वर्ग जो है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वही चीज यहां पर हमने कर लिया। तो यहां पर हो गया ए स्क्वायर, दोनों साइड सेम थे, तो यहां पर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, ठीक है ना। अब अंडर रूट 2a, तो ये 2 का तो कोई स्क्वायर तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको हम रूट 2 ही लिखा रहने देते हैं ना, रूट 2 और ए स्क्वायर का निकल आएगा तो हो जाएगा a, तो इसका मतलब यहां पर अगर हमें इसका d निकालना हो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का या वो जो है वो आइसोसेलस हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2a, ठीक है ना। तो ये, या फिर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो ए रूट टू, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि ए पर भी रूट है या नहीं, तो ए पर रूट नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर था तो बाहर आ गया है, तो यहां पर हमने लिख लिया ए रूट टू, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व होंगे। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल की खास बात ये है, थोड़ा सा गलत लग रहा है ना, लेकिन समझ लो कि अगर मान लो इसकी साइड दी गई होती, इसकी साइड दी गई होती, ठीक है ना, इसकी साइड मान लो ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, अब ये पूछ लेता है कि इसका परिमाप क्या है, तो इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो ये निकालोगे, मैंने जिस तरह से पहले वाला बताया था, तो ये निकालोगे, ठीक है ना, तो ये निकाल आएगा। तो अब यहां पर अगर ये निकालना तो कितना हो जाएगा, या अगर मान लो ये निकालना हो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का, यानी 2√a हो जाएगा,
ठीक है ना। तो यहां पर अगर हमें ये निकालना हो, देखो तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, यही तो फॉर्मूला बनेगा ना। तो ए कितना हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10√2। तो बात खत्म, 10√2 आ गया हमारा। अब यहां से अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम इन सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। लेकिन अगर मान लो हमें एरिया निकालना होता, अगर हमें एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना होता तो हम क्या करते, तो हम सीधा सीधा 1/2 × बेस × हाइट लगा लेते। तो a यानी a का स्क्वायर कर रहा है, तो इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, यही तो लगाना ना। तो दोनों साइड सेम है तो हमने 10 का स्क्वायर कर लिया, तो कितना हो गया 1/2, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 50। तो इसका मतलब इसका एरिया हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन हम और भी सॉल्व करेंगे ना, जो आपके बुक के क्वेश्चन होंगे वो सारे भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, अभी हम केवल फॉर्मूला बेस देख रहे हैं। ठीक, चलो फिर आगे देखते हैं। देखो अगला क्या दिया गया है, रेक्टेंगल यानी आयत। आयत की खास बात क्या होती है, आयत की आमने सामने के साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं यानी समांतर होते हैं और इक्वल होते हैं। मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर। साथ ही साथ इनके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये अगर मान लो इसका जो लेंथ है वो ए है और ब्रेथ जो है वो बी है, या कुछ भी अगर हम मान लो ए ना माने एल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एल और बी मान लो, तो ये याद करने में थोड़ा आसान हो जाता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे पढ़ाया जाता है। तो इसको हम एल मान ले और इसको बी मान ले। तो अगर मान लो हमें इसका परिमाप निकालना हो, तो हमारा ए यानी पेरीमीटर, तो देखना बहुत ध्यान से देखना कि अगर हमें इसका पेरीमीटर यानी अगर हमें इसका परिमाप निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या अभी पढ़े कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड यानी 2l+b, यही तो पढ़ते हैं 2l+b। अच्छा ये आता कहां से है, इसका प्रूफ भी देख लो, ये आता कहां से है, ये l है तो सामने वाली साइड भी इक्वल। ठीक है ना, ये b है तो इसके सामने वाली साइड भी इक्वल। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भैया जो पेरीमीटर यानी परिमाप का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, तो यानी सभी साइड का सम कर दो, तो क्या हो जाएगा l+b+l+b, यही बन गया। अब यहां पर हम l और l ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2l, और b ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2b। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे कि अब हमारा ये पेरीमीटर यानी परिमाप जो निकालना है वो क्या हो जाएगा कि इसके जो 2 है ना ये दो ये कॉमन ले लेंगे। तो अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, l बचा और ये प्लस बी बचा, तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहां से देखो और साथ ही साथ ये भी देख लो कि इनका एरिया क्या होगा यानी इनका क्षेत्रफल, तो इनके क्षेत्रफल के बारे में देखो तो क्या हो जाएगा एरिया यानी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, तो इसका हो जाता है l × b, ये हो जाता है इसका क्षेत्रफल। तो याद इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं, तो ये पेरीमीटर समझ में आ गया, एरिया याद ही होगा l × b। एक चीज और भी आती है इसमें, और ये आता है कि अगर मान लो कि हमें ये दिया होता इसका डायगनल यानी इसका विकर्ण, थोड़ी लाइन टेढ़ी आ रही है, इसका ये विकर्ण, अगर ये विकर्ण दिया होता तो हम क्या करते हैं, तो भाई यहां से अगर हमें ये निकालना हो इसका नाम अगर मान लो डी होता, ठीक है ना, तो अगर हमें मान लो डी निकालना होता तो हम क्या करते हैं कि d = हो जाता √l² + b²। अच्छा इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये वो क्वेश्चन पूछता है ना कि अगर मान लो कि इस तरह से कोई कमरा है मान लो, तो इसमें सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है, तो सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जाएगी भाई, यही तो सबसे लंबी छड़ जो होती है वो डायगनल ही तो होती है। तो यहां पर ये इसका डी, तो अगर हमें ये निकालना होगा तो हम यही सेम चीज लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि d = क्या हो जाएगा l√l² + b²। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। अब इसमें देखो अगर मान लो इस पर क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो कि एक ट्राइंगल दिया गया, सॉरी एक रेक्टेंगल दिया गया, एग्जाम्पल केवल बता रहा हूं ना, तो ये एग्जाम क्या है कि एक रेक्टेंगल दिया गया और इसकी साइड जो दी गई वो दिया गया 3 मान लो ऐसे, या 4 मान लेते हैं, चलो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है ना, अब यहां पर देखो अगर हमें ये कहा जाता है इसका पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर यानी परिमाप इसका कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका 2l+b। ठीक है, 2l+b यही तो होता है, तो ये l है और ये b है, तो यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l, हो गया 4 और b हो गया 3, तो हो जाएगा 2 × 4 + 3 यानी 7, तो 7 × 2 = 14 cm। तो ये तो आसान था, अगर मान लो एरिया भी पूछता तब भी कोई दिक्कत ना होती, यानी अगर क्षेत्रफल पूछता तब भी कोई दिक्कत ना होती, तो l × b होता ना, तो कितना हो जाएगा 4 × 3, तो 4 × 3 = 12
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो कि यहां पर हमसे ये पूछ लेता कि इसके डायगनल यानी इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, ठीक है, तो डायगनल अगर हमसे पूछ लेता तो हम क्या करते हैं, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, बी कितना है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो कितना हो गया 16 और 9 25 यानी रूट 25, तो 25 किसका स्क्वायर रूट 5 का, तो यानी 5 सेंटीमीटर इसकी सबसे बड़ी छड़ है ये वाली, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरह से करोगे ना तो सारी चीजें बहुत ही आसानी समझ में आ जाएंगी। तो लेकिन अगर अभी तक तो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दो भैया, क्लास चल रही है और समझ में भी आ रहा है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो फिर आगे देखते हैं स्क्वायर के बारे में। तो देखो बच्चा, स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जो भी दिया रहेगा ना उसके सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, सभी साइड इक्वल होंगे। तो इसके सभी साइड इक्वल दिए गए हैं, ए ए ए, और इसमें क्या होता है, इनके जो सभी एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर, बहुत सीधी सी बात है, तो ये स्क्वायर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां पर देखो हमको क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है, तो यानी परिमाप बताना है। तो सबसे पहले देखो, अगर मान लो हमें पेरीमीटर देखना है यानी कि परिमाप, तो परिमाप के बारे में हमने क्या देखा कि सम ऑफ ऑल साइड होता है ना, तो इसका परिमाप क्या हो जाता है, 4a यानी 4 इंटू साइड, ठीक है। और ये कहां से आता है, इसका भी प्रूफ देखो, सेम वही चीज, क्या होता है पेरीमीटर जो होता है यानी परिमाप जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो इसके सभी साइड क्या है, a है ना, तो हम क्या कर लेंगे, a प्लस a प्लस a और प्लस a, तो कितना हो गया, a a यानी 4a, बस आ गया, ठीक है ना। तो यहां से ये इसका पेरीमीटर यानी परिमाप आता है। फिर देखो इसका एरिया क्या होगा, तो अगर हमें इसका एरिया देखना हो तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है कि साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाता है इसका एरिया, ठीक है। तो एरिया हम क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर, तो ये आसानी से याद हो जाएगा, इन सब में कुछ ज्यादा ट्रिक वगैरह के चक्कर में ना पड़ना, क्वेश्चन लगाओगे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि ये दिया होता कि इसका भी डायगनल बताओ, देखो अगर मान लो कि ये दिया होता ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये कह देता कि इसका भी डायगनल बताओ, ठीक, तो अगर इसका भी डायगनल पूछ लेता तो अगर मान लो ये डी है तो हम क्या कर लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही सेम चीज, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब इस ए 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, a का निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा a रूट 2, यानी अगर डायगनल पूछता तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा लेते, ये हो जाता है इसका डायगनल, ठीक है ना। अब इस पर देखो, इस पर भी एग्जांपल सेम रेक्टेंगल के जैसा ही है कि मान लो कि अगर एक हमें रेक्टेंगल दिया गया, एक स्क्वायर दिया गया, और स्क्वायर के जो साइड है वो दिए गए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 ये 10 ये 10 और ये भी 10। अब यहां से इसका पेरीमीटर पूछता है यानी इसका परिमाप क्या है, तो पेरीमीटर क्या हो जाता, इसका पेरीमीटर हो जाता 4 इंटू साइड, ठीक है ना, 4 इंटू साइड यानी 4a, यही तो होता है, तो कितना a कितना है 10, तो 4 इंटू 10 तो कितना हो गया, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यहां एरिया पूछता भाई, तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है, तो ये कितना दिया गया 10, तो ये 10 का स्क्वायर कर लेते, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता 100, अगर यूनिट जो भी यूनिट होता तो स्क्वायर यूनिट कर लेते। उसके बाद अगर मान लो कि हमसे ये पूछ लेता कि इसकी डी क्या होगी, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रूट ए रूट 2, यही तो होता है ए रूट 2, तो ए रूट 2, तो ए की वैल्यू कितनी है 10, और ये कितना है रूट 2, बस आ गया भाई ए रूट 2, जो भी यूनिट दी गई हो वो यूनिट सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है, अगर ये सेंटीमीटर होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखते, अगर ना दिया होता तो केवल यूनिट लिखते हैं, बस आ गया आंसर, ठीक है, समझ में आ रही है बात।